धन के तीन प्रयोग होते हैं, धन के तीन प्रयोग होते हैं, भोग, दान, नाश। अगर भोग और दान नहीं हो रहा तो नाश ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर भोग और दान नहीं हो रहा तो नाश। मैं आपको कामयाब होने का सूत्र दे रहा हूं अभी, एक जिंदगी भर कामयाब होने का और जिंदगी भर कामयाब रहने का सूत्र। सुनना चाहते हो तो बोलो हां। सबसे आसान रास्ता आगे बढ़ने का, 5% 10% जो तुमको ठीक लगे, परसेंटेज तुम्हारे हाथ में है, भगवान को अपना पार्टनर बना लो। 5% और 10% परसेंटेज इन योर हैंड्स, मेक अ पार्टनरशिप विद हिम। वो अगर पार्टनर हो, पार्टनरशिप कैसे चलेगी सिर्फ कल्पना करो। जितना पैसा कमाओ उसका कुछ भाग ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, और पार्टनरशिप हमेशा तब करो जब अमाउंट स्मॉल है। आप कहते ना अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी क्या फायदा, अभी करने का फायदा है क्योंकि अभी दिया जा सकता है, जब बड़ा होगा तो देने का मन नहीं करेगा। ऑलवेज डू अ पार्टनरशिप व्हेन द अमाउंट्स आर स्मॉल। आपने बोला 5% दूंगा, डन, 100 करोड़ आ जाएंगे तो 5% देना मुश्किल होगा, 100 रुपए होंगे तो 5 रुपए देना आसान। मेक अ पार्टनरशिप विद हिम माय डियर फ्रेंड्स। और वो कहते हैं दान अगर दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को, और हमारे यहां तो उल्टा है, हमारे यहां तो पंखों पे लगा जाता है, फलां की याद में दान। देखा होगा आपने मेरी बात को, अदरवाइज मत लियो, किसी ने किया हो तो ऐसे, मतलब बताने की क्या जरूरत है। और तो और, मैंने शमशान घाट के बेंचों पे लिखा देखा है, फलां की याद में दिया गया। ये बताने की जरूरत होती है क्या? हाँ, जिसको पता चलना है ना उसको चल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। जिसको पता चलना है उसको चल जाएगा, लिखने की जरूरत। 5% 10% चूज योर परसेंटेज टुडे और बी अ पार्टनर ऑफ जो भी पैसा है। और वो कहते हैं कि मैं करता हूं इसलिए बता रहा हूं, जब तक आदमी आचरण नहीं करता उच्चारण नहीं करना चाहिए। आचरण पहले उच्चारण है ना, पहले आ आता है फिर ऊ आता है। देखो वर्णमाला में भी ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन लोग इतने निपट कंजूस हैं। मुल्ला नसरुद्दीन को एक रात कुछ लोगों ने घर दबोचा, पीछे पिस्टल लगा दी। मुल्ला नसरुद्दीन को एक रात कुछ लोगों ने घर दबोचा और पीछे पिस्टल लगा, जो है निकाल दे वरना जान से जाएगा। मुल्ला ने पीछे मुड़ के देखा, बोला थोड़ी देर सोचने दो। वो लोग भी चौंके, ऐसा आदमी पहली बार मिला, जिंदगी दांव पे लगी है, ऐसे में कौन सोचने की बात करता है। मुल्ला बोला मैं बिना सोचे कोई काम नहीं करता, मैं धर्मज्ञानी हूं, ब्रह्मज्ञान जानता हूं, ऐसे बिना सोचे समझे। कुछ देर मुल्ला ने आंख बंद करी, आंख खोली, बोला अच्छा तुम गोली मारो। यह आदमी और चौंका, बोला पागल है क्या, थोड़े से पैसों के लिए अपनी। मुल्ला ने बोला देखो मैं ब्रह्मज्ञानी आदमी हूं, पैसा रखा है बुढ़ापे के लिए, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में करूंगा क्या, और इस जीवन का क्या है, ये तो मुफ्त में मिला है, एक दिन जाना ही है, ले ले तू ही ले ले, ले ले तू ही ले ले। कहते हैं वो आदमी भाग ही गया कि इसको क्या मारना है, मरे मराए को क्या मारना है, ये तो स्वर्गीय है ही। ऐसे ऐसे भी आपको कलाकार मिलते हैं जो दान, मेरी छोटी सी गुजारिश कि दान देने से पैसा, और मैं फिर एक बात बोलता हूं, उसका उसी को देने में क्या मानता है, उसका उसी को देने में क्या मानता है। और किसी पेज अखबार पे, किसी पंखे पे, किसी बेंच पे, आपने देखा भगवान ने कहीं नाम लिखा हो, ये पर्वत मैंने बनाए,